आप देख सकते हैं ये हम अभी कुलेसरा गांव पे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे रोड, ये नदी है, हैंडर नदी है और इसमें पानी का जो बढ़ाव है काफ़ी तेज़ हो चुका है और बढ़ भी गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये रास्ता जो नदी के किनारे किनारे जो रास्ता था यहाँ पर जाने के लिए, ये रास्ता पर देख सकते हैं पूरे पानी भरा हुआ है। और सामने दिख रहा होगा ये वो जो पेड़ दिख रहा है वहीं पर काली मंदिर है, यानी कि उसके पीछे काली मंदिर के जड़ तक पूरे पानी पहुंच चुका है ऊपर तक। और आप देख सकते हैं ये नदी किनारे वाला रास्ता है जो ये भी चालू था अभी फ़िलहाल में एक दो दिन पहले, तो ये भी फुल हो चुका है, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है और पूरा नदी फुल हो चुका है, ये हैंडा नदी। देख लो इधर पूरा पानी फुल हो चुका है, आगे तक भी पानी बिल्कुल फुल हो चुका है। और ये देख सकते हैं कुलेसरा का ये हैंडल नदी है नवाडा का, और यहाँ पर बहुत पानी का बढ़ाव ज़्यादा बढ़ चुका है, पानी भी काफ़ी तेज़ में है। यहाँ पे सब लोग देखने के लिए आए हुए हैं बाढ़ को, पानी को, ये बाढ़ का ही पानी है, ये कुलेसरा ग्रेटर नोएडा में पड़ता है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये रास्ता पूरा ही ब्लॉक हो चुका है अभी से, मतलब जाने लायक है नहीं, कोई नहीं जा सकता, ये गली से भी ये जाता है, यानी ये रहा पानी और ये नदी के यहाँ से रास्ता था और यहाँ से ये सीधा एकदम जस्ट गली ये वाली है। आप देख सकते हैं ये कुलेसरा गांव है और यहाँ पे हिंडन नदी है, यानी कि ये ग्रेटर नोएडा में है और इसमें पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है यहाँ पे पानी बढ़ चुका है बाढ़ का, और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डूब चुका है और यहाँ पर खाली करा जो किनारे पर जो मकान हैं इनको खाली भी करा दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ पानी है और बाढ़ बहुत ही तेज़ अभी आ ही रहा है और आगे भी हो सकता है आएगा, तो आप देख सकते। और जैसे ही पानी का बाढ़ का अपडेट आएगा हम आपको वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर रखें।